कि यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को पीछे दिख रहा ना उदयगिरी पर्वत, तो ये अगर आप लोग ऑफ रोडिंग नहीं करना चाहते, ऑफ रोडिंग कहने का मतलब कि एडवेंचर ज़्यादा नहीं करना चाहते ना, तो आप लोगों के लिए सिंपल ये रास्ता जाएगा। ऊपर देखिए जो टॉप पे है ना टेम्पल, अभी वहीं जाना हम लोगों को। तो अगर आप लोग ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते तो इधर से जा सकते हैं। अच्छा स्मूथ सीढ़ी बना हुआ है और जो टफ वाला वो भी दिखाते हैं। तो ये है साइक्लोपियन वॉल जो आप देख रहे हैं अभी आप लोग, तो इससे भी होकर हम लोग जा सकते हैं। और आप लोगों को पता है साइक्लोपियन वॉल की खासियत, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जो दर्शाती है कि एक राज्य जो है और जो राज्य के जो शासक हैं कैसे अपने राज्य को और अपने राज्य की प्रजा को एक बाउंड्री लाइन करके अंदर समेट के रखते थे। आप लोगों ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना होगा, इट मे बी पॉसिबल कि ये उससे भी ज़्यादा प्राचीन है। अगर आप लोगों को साइक्लोपियन वॉल से होकर जाना है तो ये रहा साइक्लोपियन वॉल। बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं साइक्लोपियन वॉल पे और दिखाते हैं कैसा है यहाँ का अमेजिंग शॉट्स। ये देखिए साइक्लोपियन वॉल इधर भी है और सामने भी है, और सामने देखो मंदिर है माता रानी का, जय माता दी। कुछ दिखाने वाले फुल ऑन एडवेंचर, बोले तो एडवेंचर करने का मूड हो रहा है, वो भी कोविड के ड्यूरेशन में। और अगर आप बिहार में हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, आपको बिहार में ही एक एडवेंचर ट्रिप करना है, डोंट वेट, आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक फुल ऑन धमाकेदार एडवेंचर वीडियो। तो बेसिकली आज सिर्फ एडवेंचर नहीं है, जो लोग रिलीजियस हैं उनके लिए भी कुछ धमाल होने वाला है। धमाल इसलिए कि हजारों साल पुराना टेंपल दिखाने वाला हूँ, बैकग्राउंड में देख के हल्के में मत ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कुछ और भी है अनएक्सप्लोर्ड अनएक्सपेक्टेड। तो बेसिकली अभी हम लोग हैं उदयगिरी हिल्स के ऊपर, जो कि ज़मीन से 1000 फीट ऊपर है, 1000 से ऊपर ही है, 1000 फीट से ज़्यादा है। तो ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, राजगीर 5 पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है, कृपया शाम होने से पहले पहाड़ से नीचे उतर जाएं अगर आप आते हैं तो, और
आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ का पर्यावरण बेहद ही शुद्ध है, क्यों ना हो। ये देखिए बैकग्राउंड, चारों तरफ हरा भरा पहाड़, घना जंगल, क्यों ना हो। तो इसमें आप लोगों का थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, आप लोग इसको कॉपरेट कीजिएगा, गंदा करने का कोशिश मत कीजिए अगर साफ़ करने में सहयोग ना कर सकते हैं तो। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड, फुल्ली ऑन अनएक्सप्लोर्ड राजगीर। अनएक्सप्लोर्ड अनएक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही मेहनत लगा, ऊपर ट्रैकिंग करते करते हालत ख़राब हो गया। बैकग्राउंड में जो आप टेंपल देख रहे हैं, अभी आप लोगों को कैमरा में दिखा दे रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, और फिर ड्रोन शॉट बाकी वो भी देख के एंजॉय कीजिएगा। तो ये बेसिकली दिगंबर जैन मंदिर है उदयगिरी पर्वत पे, और ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास आप लोगों के बैठने के लिए भी इंतजाम किया गया है। तो ये देखिए ये है श्री सावलिया पार्श्वनाथ मंदिर, अगेन ये भी उदयगिरी पर्वत के ऊपर है। और भी कुछ है, देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत ग्रेनाइट का टेम्पल है। ये है श्री भगवान आदिनाथ जी का टेम्पल, फुल्ली ग्रेनाइट का है और बहुत ही खूबसूरत है। एक और टेम्पल है, ये रहा, ये है दिगंबर जैन मंदिर, अगेन उदयगिरी हिल्स के ऊपर। और यहां से बैकग्राउंड में आप लोगों को विश्व शांति स्तूप भी दिख रहा होगा। वाह, आए थे बिल्कुल एकदम कच्ची पक्की पहाड़ों के ऊपर से, यहाँ मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फुटपाथ टाइप का बना हुआ है। इसके ऊपर आने के लिए दो रास्ता है, एक तो साइक्लोपियन वॉल से आ सकते हैं। साइक्लोपियन वॉल आपको अगर नहीं पता तो बता दे कि अगर आप राजगीर इन करते हैं, और राजगीर जैसे ही इन करते हैं तो आपको एक दिखता होगा बिंबिसार द्वार। तो बिंबिसार द्वार के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक आपको माता रानी का मंदिर दिखेगा, और मंदिर के ही जस्ट बगल से साइक्लोपियन वॉल जाता है। तो साइक्लोपियन वॉल से भी है, और एक आगे आप जाएंगे ब्रह्मकुंड के तरफ तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा उदयगिरी पर्वत, और वो रास्ता बना हुआ है। और देखिए अगर उधर से आएंगे उदयगिरी पर्वत जो लिखा हुआ वहाँ से, तो देखिए कुछ इस तरह का रास्ता आप लोगों को मिलेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को उदयगिरी का ये स्पेशल ब्लॉग? अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का और भी अनएक्सप्लोर्ड जगहों को एक्सप्लोर करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो थोड़ा होता है ना, मोटिवेट होंगे तो हम भी इस तरह के अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करेंगे आगे से। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आप लोगों को पता वीडियो को क्या करना, लाइक कर देना है, कमेंट्स कर देना है अच्छे अच्छे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।